देखिए नॉर्थ कोरिया और इंडिया में आज के लिए कोई फर्क नहीं रह गया। जो हाल आज पोलैंड में है वो हाल यहाँ होगा। पोलैंड में लोगों ने स्टार्ट किया था वुमेन्स के राइट के लिए धरना, लेकिन आज एंटी सरकार का धरना बन चुका है पोलैंड का। इंडिया में भी धरना एंटी सरकार बनेगा। और ये नहीं है कि अपने को खाली मोदी को इस बार ये तीन कानून के लिए हराना है, अपने को ऐसा हराना है, ऐसा हराना है कि दूसरी बार हर बार आगे की जंग भी अपन जीत जाए। हिंदू मराठी है, गुजराती हम सब लड़ने वाले एक ही साथी हैं। हिंदू मराठी है, गुजराती लड़ने वाले एक ही साथी। हिंदू मराठी है, गुजराती BTS न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का BTS न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिल खान BTS न्यूज से। इस वक्त हम मौजूद हैं आजाद मैदान के पास में। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में भारतीय किसानों के समर्थन में यहां पर एक रैली निकाली जा रही है। ये रैली मरीन लाइन से होते हुए आजाद मैदान पहुँच रही है, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे और मर्द शामिल हुए हैं। ये रैली उन भारतीय किसानों के समर्थन में है जो कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में कई दिनों से बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आज आप लोग किसानों के समर्थन में जो मुंबई में रैली कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है, मैं खुद किसान हूँ, इसके लिए मैं बम्बई में रह रहा हूँ, भले बिजनेसमैन भी हूँ साथ में किसान भी हूँ, मैं किसानी भी करता हूँ पंजाब में। हमको जो तीन काले कानून ने एकदम भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। अगर वो अच्छे हुए तो हमारे बुजुर्ग उधर टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर में क्यों बैठे, जिनकी उम्र आज आराम करने की। हम बुजुर्गों को खटिया से उतरने नहीं देते, उन लोगों को धरने में थोड़ी बिठाएंगे, आंदोलन में थोड़ी बिठाएंगे। एक कानून है ही काले है, हर एक किसान के लिए नहीं काले, हर एक अन्न खाने वाले के लिए काले है, है? इसके लिए हर एक आदमी को ये कानूनों के बारे पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। कानून गंदे कानून है, काले कानून है, इनको वापस होना ही चाहिए। सरकार ये बोल रही है कि सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इस कानून से दिक्कत है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बिल्कुल झूठ बात है, खाली पंजाब के किसानों को नहीं दिक्कत है, हरियाणा, MP, UP और अपने उत्तराखंड के, महाराष्ट्र के किसान कितने इधर आए आंदोलन में, आपको देखो है। और एक बात और है, ये जो सरकार कह रही है ना भी खाली पंजाब के और हरियाणा के किसानों को दिक्कत है, ये बिल्कुल झूठ बात है। ये 26 जनवरी को ये सच पता चल जाएगा कि किन लोगों को इसकी, किन किसानों को इसकी जो है जरूर है आंदोलन में कितने किसान है, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत किसान है जो पंजाब में जाने वाले हैं, दिल्ली में जो के ये अपने भाइयों को, जो किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाले किसान महाराष्ट्र से भी जाएंगे, MP से भी जाएंगे, UP से भी जाएंगे, उत्तराखंड से, राजस्थान से, हर एक जगह से जाएंगे। आप उधर जाके देखिए, आप दिल्ली में कितने किसान हैं जो कि गुजरात से पहुंचे हुए हैं, गुजरात से, जहाँ से बेटियाँ हैं किसानों की बेटियाँ वहाँ पहुँची हुई हैं, जो कि लाहिर की डिग्री प्राप्त कर रही हैं। इसके लिए ये काला कानून है, हर एक के लिए घातक है, इसको वापस करना ही चाहिए। और ये कानून अगर बनेगा तो इससे आम लोगों को भी दिक्कत होगी, सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि भारतीय जो भी नागरिक हैं, जो बंधुआ मजदूर हैं, जिनकी सैलरी कम है, उसके इस कानून के बनने के बाद एकदम से महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात है, ये जो भी कोई अन्न खा रहा है, अन्न खाने वाले हर एक आदमी को इसकी दिक्कत आएगी। जो चीज़ अभी 10 रुपये में मिल रही है वो 100 रुपये में मिलेगी। अभी हमारी जो भी औरतें लोग हैं ना, सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं रेड़ी वाले के पास, धनिया मिर्ची ऐसे फ्री में लेती हैं, वो मिलने वाली नहीं है बड़े बड़े स्टोरों से। ये अडानी अम्बानी किसी को कुछ देने वाले नहीं है, ये 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचेंगे। इसीलिए सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि आम भारतीय नागरिकों को भी इससे जुड़ जाना चाहिए, आप ये बोलना चाहते हैं? बिल्कुल जी, हर एक आदमी को जो अन्न खाने वाला है, हर एक को जुड़ना चाहिए, हर एक के लिए ये घातक है। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि हर एक भारतीय आम नागरिक का आंदोलन। बिल्कुल जी, अभी ये देखो आंदोलन के अंदर सब किसान नहीं है, हर एक अन्न खाने वाले है, हर एक का को पता चल गया है। अभी थोड़े दिन और बाकी है, सब स्टडी कर रहे हैं। अभी वो जो कि नहीं है, मीडिया के ऊपर ही विश्वास है, अभी जो मीडिया ने दिखा दिया वो चल जाएगा। अभी सब लोग सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं,
सब किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं और आदमी सब पढ़े। गोदी मीडिया को आप क्या बोलना चाहते हैं जो कि किसानों को ये इस तरह दिखा रहा है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, उनको आंदोलन, उनको ये बिल समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके से समझाया जा रहा है? बात ऐसी है, ये जो गोदी मीडिया बिका हुआ मीडिया है, ये बिका हुआ मीडिया क्या बताएगा किसानों के बारे में? इसका दर्द इन लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा। अभी तो ये सोच रहे हैं ना हमको मोदी देता रहेगा खाना, ये मिलने वाला नहीं है हमेशा के लिए, ये सब बंद हो जाएगा। ठीक है सर, आपका नाम क्या है और आप क्यों इस आंदोलन में आज शामिल होने के हैं? मेरा नाम एडवोकेट शहूद अनवर है। एडवोकेट शहूद अनवर, तो आप तो एडवोकेट है, तो आप इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं? आज अपना कोर्ट का काम छोड़ के हम इस आंदोलन में इसलिए आए हैं कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। इसका नाम किसान आंदोलन है लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसानों के लिए हो रहा है, ये देश के हर आदमी के लिए हो रहा है। क्योंकि जो कानून बने हैं इसके असरात देश के हर आदमी पर पड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई इससे बच जाएगा या इसका इसका जो दमन है वो सिर्फ किसानों पर होगा, ऐसा है नहीं। इसका असर हर शख्स पे, इस देश के हर नागरिक पर उतना ही होना है। और ये दमनकारी सरकार हर आदमी को इसी तरह धीरे धीरे दबा देने वाली है और इसकी ये पहली शुरुआत करने की कोशिश की है। इस शुरुआत को हम यहीं के यहीं ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए देश का हर नागरिक निकल के इस दमनकारी कानून को ख़त्म करना चाहता है। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। सर अभी मीडिया में ऐसा देखा जा रहा है कि इसको किसानों का आंदोलन बताया जा रहा है या ये बोला जा रहा है कि खास तौर से पंजाब के किसानों को इससे दिक्कत है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, देश की हर जगह के किसान इसके खिलाफ खड़े हैं। मीडिया में कुछ इस तरह की चीज़ें चलाई जा रही हैं वो सब झूठी हैं, वो हर आदमी जानता है। आज हर आदमी समझ गया कि मीडिया यहाँ पर झूठ बोल रही है। यहाँ पूरे मुल्क में हर जगह, गुजरात हो चाहे कर्नाटक हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पंजाब हो चाहे कलकत्ता हो, हर जगह का किसान इसको बुरा मानता है और इसके खिलाफ हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं। आज ये इसका नतीजा, आपने ये रैली पूरी देखी है, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो क्या ये ऐसा है कि ये सब पंजाबी हैं? ऐसा नहीं है, देश का हर नागरिक इसके खिलाफ खड़ा है, इसको बुरा मानता है। कोई जो यहाँ नहीं भी आया वो ऐसा नहीं है कि इसको सपोर्ट कर रहा है, हर आदमी दिल से कम इसको बुरा मान रहा है और इस दमनकारी सरकार को इसका सबक सिखाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है मैडम और आप यहाँ पर इस आंदोलन में क्या कर रही हैं? मेरा नाम अलिफिया है और मैं यहाँ किसान के संगठन के लिए आई हूँ। और जो चीज़ें जो आज 10 रुपए में मिल रही है, कल वो चीज़ें 50 रुपए में मिल रही हैं। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि किसानों के खिलाफ किसानों को ये देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। तो इसका इफेक्ट, इस काले कानून का इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा, इसके लिए आप किसान ना होते हुए भी किसानों के समर्थन में आए? ज़रूर, मैं किसानों के साथ में हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनको ये मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। जो अब आज चल रहा है किसानों जो जान दे रहे, हत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, वो सब नहीं हो, वो खिलाफ है। और गरीब जो है वो बेचारे मर रहे हैं भूख के वजह से, महंगाई लोगों को खा जा रही है, ये बहुत नाइंसाफी। इसीलिए आप अपने घर में बच्चों को और अपने हस्बैंड को छोड़ करके किसानों के समर्थन में आए? किसानों के समर्थन जरूर जरूर, क्योंकि आप सोचते हैं कि इसका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा, हमारे जिंदगी में और जिंदगी का सवाल। आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो गरीबों का हक है उसको मिलना चाहिए, सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। हम उनके लिए आए हैं और उनके लिए साथ, हम किसानों के साथ हैं, बराबर मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए जरूर। समर्थन में क्यों आंदोलन करने के लिए यहाँ पे आए हमारे व्यूवर्स को बताइए। का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास जन अर्चप्रीत सिंह है, जैसे किसाना दी हिंदी में बोलना है, हम किसानों की पूरी मदद करने के लिए आए हैं। हम खुद किसान हैं, बल्कि हमारे यहाँ हर कोई किसी न किसी का एक बंदा परिवार में किसानी करता ही है। ठीक है जी, हम ये तीनों कानूनों का पूरा खुल के विरोध करते हैं। ये कानून सरासर गलत हैं, ये मोदी ने तो बस लागू किए, बने अंबानी अडानी के घर में ही हैं। आप पहला कानून देख लीजिए, आप जब भंडारण का कानून देख लीजिए, इन्होंने भंडारण की पूरी क्षमता पूरी हटा दी है। आप अनलिमिटेड भंडारण कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ का अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हो। जब ये कानून नहीं थे, जब आप कोई भी चीज़ का अनलिमिटेड स्टॉक नहीं कर सकते थे, ठीक है, जो इमरजेंसी के कमोडिटीज़ हैं, तब भी अपने देश में हर बार प्याज का दाम बढ़ता है, हर बार हर चीज़ कच्ची चीज़ का दाम बढ़ता है। एक ना एक बार अभी तो हमारे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ में एक अफवाह उड़ी और नमक 120 रुपए किलो बिकने लग गया। ठीक है, आप वो चीज़ को यकीन रखिए, जब भंडारण की कैपेसिटी मतलब कंट्रोल में, तब इतने दाम फ्लक्चुएट होते हैं। एक बार आप अनलिमिटेड कर देंगे, अनलिमिटेड आप खोल देंगे, आप कितना भी स्टोर करके रख सकते हो, आप सोचिए कितना ज़्यादा दाम ऊपर नीचे जाएगा। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं, ये कानून बनने के बाद
दाम का कोई एक लिमिटेशन नहीं रहेगा, जमाखोर अपने हिसाब से उसको जमा करेंगे और अपने हिसाब से एक रेट लगाएंगे जिससे आम जनता के लिए बहुत परेशानियां पैदा हो जाएंगी। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि ये रेट एक बार में बढ़ जाएंगे, ये धीरे 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 चार पाँच छः साल में जाके बढ़ेंगे। अब आप देखिए कांग्रेस की सरकार के टाइम में जो कच्चे तेल का दाम कितना ज़्यादा होता था, तब भी मोदी लोगों ने खुद ने उसके जयपुर सांसद ने साइकिल में रैली निकाली थी। क्यों निकाली थी? क्योंकि तेल का दाम बहुत ज़्यादा है। आज मैं हम लोग वहाँ पर मीरा रोड से चले हुए हैं, तीन बार पेट्रोल डलवाया हूँ गाड़ी में, 92 रुपीज़ की पर लीटर पेट्रोल है। आप सोचिए ये पूरा कंट्रोल करके मीडिया कंट्रोल कर रखे रखा है। देखिए नॉर्थ कोरिया और इंडिया में आज के लिए कोई फर्क नहीं रह गया, जो हाल आज पोलैंड में है वो हाल यहाँ होगा। पोलैंड में लोगों ने स्टार्ट किया था वुमेन्स के राइट के लिए धरना, लेकिन आज एंटी सरकार का धरना बन चुका है पोलैंड का। इंडिया में भी धरना एंटी सरकार बनेगा। और ये नहीं है कि अपने को खाली मोदी को इस बार ये तीन कानून के लिए हराना है, अपने को ऐसा हराना है कि दूसरी बार हर बार आगे की जंग भी अपन जीत जाए। आप ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी को चित करना है, चित करके उसको खत्म कर देना ताकि आगे की सारी जंग हम जीत जाए, हमें लड़नी ना पड़े आगे की जंग, वैसे जीतना इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। हम क्या है और आप क्या किसान है क्या जो इस आंदोलन में आप शामिल हुए हैं? मेरा नाम है अब्दुल हक और मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा बाप भी किसान थे और मैं भी किसान हूँ, हमारे पास भी ज़मीन है। तो आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि एक जो आवाज़ है ये सिर्फ किसानों की आवाज़ नहीं है, ये किसानों की है एक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी का, ये आवाम का बुरा मुद्दा है। अगर ये किसान पर ये लोग हमला करेंगे तो ये समझ लो कि हर घर के अंदर, हर बच्चे के अंदर इसके असरात और इसके नुकसानात सबको उसको भुगतना पड़ेगा। मीडिया और गवर्नमेंट ये बात बोल रही है कि इसमें जो पंजाब के किसान हैं वो सबसे आगे आगे हैं, इसको ऐसा बताया जा रहा है कि ये पंजाबियों का सिखों का आंदोलन है, लेकिन आप भी इस आंदोलन में शामिल, आप क्या बोलते हैं? ये गलत बात है, पंजाब और हरियाणा जो किसान आगे है वो इनका ही आंदोलन है, ये गलत बात है। वो बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी चीज़ यानी सबसे ज़्यादा एक नंबर के अगर किसान है तो पंजाब और हरियाणा के है, बाकी पूरी हिंदुस्तान के अंदर हर ज़िले में हर गांव के अंदर किसान मौजूद है। और ये जो ये धड़कन है, ये जो आवाम जो जमा हुई है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है, सिर्फ पंजाबी और हरियाणा वालों के साथ नहीं है। और उसका ये जो साथ है वो अगर इनका साथ नहीं देंगे तो हम सबको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ एक आम इंसान और एक किसान जुड़ रहे हैं, हम जानना चाहेंगे इन दोनों से कि किस तरह ये बिल दोनों की जिंदगी को इफेक्ट करेगा। आप आपका नाम बताइए और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सांगली से हूँ, बाबा साहब रास्ते, और मैं बलिराजा पार्टी से रिश्ता रखता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ अंगूर उगता है और बहुत सारे किसान आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। और ये किसान के बारे में जो कानून आया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने लाया है, वो कानून के बारे में नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके कार्यकर्ता बहुत सारे भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ये बात सच्ची है कि ये कानून अदानी अंबानी और भांडवलदारों के हित का है, ये किसानों का हित का नहीं है। इसलिए किसान के नाते इसका विरोध करने के लिए मैं सांगली से यहाँ आज़ाद मैदान मुंबई में आया हूँ। नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि ये किसानों के लिए फायदेमंद का कानून है और किसानों को खुद समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाहें? आप खुद किसान हैं, आपको कानून समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी समझाएंगे, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी केवल नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में भांडवलदारों ने पैसा लगाया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ये भांडवलदारों के बाजू में, भांडवलदारों के हितों में बात कर रहे हैं। लेकिन हम किसान लोग ये जानते हैं, अगर ये कानून भांडवलदारों के हितों में नहीं होता तो ये भांडवलदार बड़े बड़े घोड़ाओं ने नहीं बनाते। इनको कैसा पता चला? इन्होंने पहले से घोड़ाओं बना लिए। अब हमारे साथ में एक आम इंसान भी जुड़ रहे हैं, हम ये उनसे जानना चाहेंगे कि ये किसान के विरुद्ध कानून बनने के साथ साथ आम आदमी को भी किस तरह इफेक्ट करेगा? देखिए ये जो कानून बने हैं, इस कानून के तहत जो तीसरा कानून एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट जो कल तक बता रहा था, 1955 में ये प्रस्तापित हुआ कानून है जिसके तहत जमाखोरी को बंदी थी, उसके बावजूद आपने कोरोना में भी देखा होगा किस तरह से कालाबाजारी होती है। इस कानून के तहत जमाखोरी को खुला कर दिया, जबकि धर्म के हिसाब से भी जमाखोरी आम इंसानियत के लिए कितना धोखा, इसके बावजूद ये कानून जमाखोरी की इजाज़त देते हैं। इससे सीधी सी बात साफ हो जाती है, कॉरपोरेट जैसे ईस्ट इंडिया कंपनियाँ कैसे यहाँ की आजाद परप्रांतित भारत का कैसा कब्जा लिया, उस तरह से ये तीन कानून प्राइवेट कंपनियों के हाथ में निजी
भूख जैसी, रोटी की भूख जैसा महत्वपूर्ण विषय वाला कानून अगर निजी कंपनियों के हक में करेंगे उससे महंगाई बढ़ेगी और महंगाई में किसान तो अपना जी लेगा वरना, लेकिन आम इंसान महंगाई के खातिर जो देश की 45% जनता जो 10,000 के नीचे उनकी इनकम है वो आज भी 1 और 2 रुपए का गेहूं चावल जो अनाज सरकारी इसमें मिलता है वो भी उसको मिल नहीं पाता है। उसके बाद आज सरकार ने अगर ये कानून पारित किया तो निजी कंपनियां जमाखोरी करके काला बाजारी अनाज क्या करेगी और आम इंसान देश की, मैं कहता हूं कि देश की 45% भुखमरी से मर जाएगी। और ये केंद्र की सरकार सिर्फ और उद्योगपति के का हित में ही ये कानून सोचती है जिससे आम इंसान मर जाने वाला है। और ये कानून ये जो कंपनियां है ईस्ट इंडिया जैसा रौद्र रूप धारण करके आज़ादी निकल जाएगा और आने वाली हमारी पीढ़ियों को की जंग अपनी खून से लड़नी पड़ेगी। आप ये बोलना चाहते हैं कि ये तीनों जो कानून आए हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा ही काम करेंगे भारत में, आने वाले टाइम पे भारत गुलाम बनने जा रहा है अगर ये कानून पारित हो जाते हैं। देखो ना, हमारा इतिहास गवाह है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अंग्रेजों ने हमसे डायरेक्ट हमको हमारे पे चढ़ाई नहीं की थी। पहले ईस्ट इंडिया के 5 व्यापारी आए थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के टाइम में उन्होंने एंट्री की थी। 1615 में उनको इजाज़त मिली कंपनियों को, जबकि यहाँ से पहले पुर्तगाल थे लेकिन पुर्तगाल यहाँ पे टिक नहीं पाए। लेकिन अंग्रेज जिस नीति से आया था वो सोची समझी चाल बना के लेके आया था। इसके लिए पुर्तगाल डच इतने होने के बावजूद सिर्फ अंग्रेज ही यहाँ पे सत्ता कर पाए क्योंकि वो सोच समझ के आया हुआ था। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।